पिछले इलेक्शन होता है उसमें जो पार्टी सत्ता पे होते हैं उन्होंने 5 साल के पहले क्या आश्वासन दिया था, उसमें कितना आश्वासन पूरा किया और क्या करने वाले और आगे क्या करने वाले, वो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी पक्ष और उसका नेता इनका जवाब नहीं देता है। वो हमारे मोदी साहब बड़े चतुर है, वो उनका जवाब नहीं देते हुए लोकशाही का बात करते हैं, देश प्रेम का बात करते हैं, देशद्रोह का बात करते हैं, गलत है। उसके बाद वो इतना नीचे सर पे आया कि गुजरात का बात किया कि गुजरात का नेता कोई बड़ा नहीं मिला। नेता कोई गुजरात का नहीं, कोई मराठी का नहीं, कोई नहीं, सब नेता भारतीय है और देश प्रेम है और देश के प्रति सबका योगदान देना चाहिए। दूसरी बात में कभी तो जाति के ऊपर गई, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं जाति अंत की, जाति खत्म होना चाहिए, यह हमारी लड़ाई है, हम पहले से लड़ रहे हैं, उसी में से मैं एक सैनिक हूँ। तो जाति का बात करना प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता। उन्हें बोला कि मैं नीचे जात का हूँ इसलिए मेरे को चोर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका काम अगर चोर जैसा होगा तो चोर ही बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा लोग, तो लोग क्या बोलते हैं इससे आप कैसा सही है वो चर्चा आप करते नहीं। राफेल के ऊपर आप चर्चा करते नहीं, 2 करोड़ लोग युवकों को रोजगार दिया कि नहीं उसके ऊपर आप चर्चा करते नहीं, महंगाई कम हो गया कि नहीं उसके ऊपर चर्चा करते नहीं। चर्चा तो आप देश प्रेमी और देशद्रोही, जो कुछ करेगा, जो गरीब को दलित को मारेगा वो देश प्रेम होता है। उस घोड़े के ऊपर बैठा दलित का बच्चा तो उसको काट देगा, घोड़े के लिए काट देगा, ये देश प्रेम होता है। किसी ने गौ मांस रखा तो पुलिस है, कानून है, सब कुछ है, उसको मार देना ये देश प्रेम होता है। और ऐसे लोगों का वीडियो निकाल के वायरल करता है, इसका मतलब क्या देश में दहशतवाद लाना चाहते हैं, ये देश प्रेम है। तो ऐसे लोगों के लिए बोलो ना कि ये देश के दुश्मन है, ये हमारे डेमोक्रेसी के दुश्मन है, ये ऐसा बोलो, ये काम करते नहीं। अगला 5 साल में क्या करने वाले बता दें। हमारे नेता ने कैसा बनाया छत झोंक के, जो झुंगी झोपड़ी है, झोपड़ी वाले को, PMGP कॉलोनी वाले को और जो रिपेयर बोर्ड के लोग हैं उनको हम झोपड़ी वाले को 500 का घर देंगे, 500 स्क्वेयर फुट का, इसका मतलब 1 बेडरूम किचन और हॉल देंगे। ये हमने सीधा बात किया ना, हम जितना रिक्स जगह उतना 1 साल में भरेंगे, वो भी सीधा बात करें। और हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं, कांग्रेस ने हमेशा करके दिखाया है। जैसा रोजी रोटी के लिए बोला कि धंधा पूरा चौपट हो गया, किधर धंधा रह गया, GST और नोटबंदी से धंधा खत्म हो गया, तो धंधा फिर से शुरू होने के लिए, बिजनेस फिर से शुरू होने के लिए हमने एक तय किया है कि नया बिजनेस जो करेगा उसको कोई परमिट लेने का जरूरत नहीं, कोई परमिशन लेने का जरूरत, 3 साल वो परमिट बिना धंधा कर सकते, इसका मतलब 3 साल उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और उसको कर्जा भी बिना तारण बिना गारंटर मिलेगा। ये कार्यक्रम हम करते हैं, ये कार्यक्रम इनका अलग है। जात का बात करेंगे, गुजरात का बात करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर का गुजरात का है क्या, देश क्या है वो समझना, जितना का कर क्या महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारा जन्म आया, मराठी हमारी भाषा है, ठीक है ना, लेकिन हम देश क्या है ना, देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, देश एक रहना चाहिए, यही तो हमारा काम है।